फास्ट बॉलिंग का जो कोचिंग है, आई थिंक इट इज़ फॉर मी सबसे एक्साइटिंग जॉब है ये। आज जो मेरे व्यूज़ हैं वो आज से 5 साल पहले नहीं थे, हो सकता है 3 साल के बाद ना रहें। इसमें जो अभी NCA की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं या जो उनकी टीचिंग्स है, उसमें ये है कि स्वीप शॉट बच्चों, जो स्पिनर की सबसे अच्छी बॉल है जैसे कि गुड लेंथ बॉल, उस पर हम लोग स्वीप शॉट मारते हैं। उस स्वीप शॉट मारने में जो 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये कि हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो आज का वीडियो फास्ट बॉलर्स पे बेस्ड है। तो मेरे साथ हैं मिस्टर आशीष जफर, जो कि फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, एक फास्ट बॉलर भी रहे और उनका काफ़ी टाइम MRF प्लेयर फाउंडेशन में बीता है। तो मैंने उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं जो प्लेयर्स गलती करते हैं, तो उन्हीं ने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल चीज़ें बताई हैं और कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं वो भी चीज़ें बताई हैं। तो मैं वो आपको वीडियोज़ में दिखाऊंगा। फास्ट बॉलिंग का जो कोचिंग है, आई थिंक इट इज़ फॉर मी सबसे एक्साइटिंग जॉब है ये, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ पैशन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, बट इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ आर्ट। सो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। इसमें जो भी मेथड्स हैं, चाहे मेरे हों या किसी भी कोच के हों, और बहुत बड़े बड़े कोचेज हैं, इसमें काफ़ी कुछ पर्सनल है। इसमें इट्स नॉट नथिंग लाइक अथॉरिटी के यही चीज़ फिक्स्ड है और ऐसे ही होना है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, केस टू केस पे बहुत डिपेंड करता है, बच्चे के माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है। तो देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं यानी कि स्ट्रेंथ के इश्यूज भी होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं एंड देर इज ऑल्सो मेंटल एस्पेक्ट्स। तो तीनों एस्पेक्ट्स की वजह से बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, फॉल्ट्स आ सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी एंड देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कि भाई ऐसे ही होना है या ऐसे ही होता है। तो इट इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड। आज जो मेरे व्यूज़ हैं वो आज से 5 साल पहले नहीं थे, हो सकता है 3 साल के बाद ना रहें। तो आई लुक एट इट एज अ वेरी चैलेंजिंग एंड अ वेरी एक्साइटिंग जॉब। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुत से बॉलर का फ्रंट नी बेंड होता है और बहुत से बॉलर का नहीं होता है, अगर बेंड होना गलत है तो क्या फैक्टर है जिससे वो बेंड होता है और इसको कैसे ठीक करा जाए? जो आपका सवाल है कि फ्रंट नी कई बॉलर्स का देखा गया है कि बेंड होता है और कुछ बॉलर्स का लॉक्ड होता है, तो क्या सही है या क्या सही नहीं है? इसमें जो अभी NCA की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं या जो उनकी टीचिंग्स है, उसमें ये है कि अगर वो ब्रेस्ड है तो भी अच्छा है, अगर वो स्लाइटली बेंड है तो भी अच्छा है। द ओनली थिंग विच वी डोंट वॉन्ट, इट शुड नॉट कोलैप्स, यानी कि जब इम्पैक्ट हो उसके बाद एक एंगल पे इट शुड रिमेन फिक्स्ड, इट शुड नॉट कीप ऑन कोलैप्सिंग। तो एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट कोलैप्सिंग, इट इज़ गुड इनफ। अ ब्रेस्ड इज ऑल्सो गुड इनफ, अ स्लाइटली बेंड इज ऑल्सो गुड इनफ। अब अगर किसी का कोलैप्स होता है, अगला सवाल ये हो सकता है कि भाई ठीक है स्ट्रेट है लेकिन बॉल डालते डालते कोलैप्स हो जाता है, तो हमें सबसे पहले पता करना है इसकी वजह क्या है। हो सकता है कि किसी बॉलर की जंप इतनी हाई हो कि उससे जो उसका मोमेंटम नीचे आता है वो इतना ज़्यादा है और उसके स्ट्रेंथ लेवल्स उसके पर्याप्त नहीं हैं, तो डेफिनेटली जितना ऊपर से कूदेंगे उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, उतने चांसेस हैं कोलैप्स होने के। सो इट कुड ईदर बी अ टेक्निकल इशू ऑल्सो अ स्ट्रेंथ इशू। तो हमें ये देखना होगा केस टू केस बेसिस पे कि जंप कैसी है। अगर जंप उसकी ज़्यादा हाई है तो डेफिनेटली कोलैप्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, अगर जंप हाई नहीं है तो भी कोलैप्स हो रहा है तो इट कुड ऑल्सो बी अ स्ट्रेंथ इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से बॉलर डेंजर एरिया में आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है और इसको कैसे ठीक करा जाए? कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग सभी बॉलर्स अपने करियर में ये फेस किया कि वो उनका डेंजर जोन में आ जाता है लेग, तो इसकी क्या वजह होती है, इसको कैसे ठीक करें? एक कॉमन वजह तो उसकी ये है कि अगर हम बहुत वाइड से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारा मोमेंटम टारगेट की जगह फाइनल की तरफ है और उसके बाद हम पिविट भी होते हैं, तो भी वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हम डेंजर जोन से बाहर निकल पाए। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि हमारा मोमेंटम जा किधर रहा है। अगर फाइनल की तरफ मोमेंटम जाएगा तो डेफिनेटली पैर जो है वो डेंजर जोन में रहेगा।
दूसरी चीज़ होती है कि कुछ बॉलर्स स्टंप से बहुत पास फेंकते हैं, पास आके फेंकते हैं और पिवट नहीं कर पाते, तो ये एक हैबिट का इशू है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर बहुत अच्छे विकेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हार्ड विकेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी जब स्पिन ट्रैक मिल गए या ट्राई मिल गए या सेकेंड इनिंग में लेट बॉलिंग आई, तो वही स्टेप विकेट को ख़राब कर देता है जो अच्छे विकेट पे कभी कभी नहीं करता है। तो इसमें विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए अपना पॉइंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल चेंज करनी पड़ती है। देर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द माइंड, इन द टेक्निक एज वेल। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर ये अलाइनमेंट का इशू है तो वो पीछे से ठीक हो जाएगा रनअप को थोड़ा स्ट्रेट करने से। अगर ये इशू ये है कि ये टेम्प्रेरी हो गया है, कभी बहुत ड्राई विकेट मिल गया है, और अंपायर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है, कुछ अंपायर्स पहले पैर पे ही वार्निंग दे देते हैं, तो आप उतने टाइम के लिए बाहर से आ सकते हो, और अगर तब भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो आप एंड चेंज कर सकते हो, तो उसमें अंपायर चेंज हो जाता है, एंड चेंज हो जाता है, तो उसकी भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है।